आजकल मैं खुद एक इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहा हूँ और इसी बीच ये सारी सुपर हीरोज मूवीज मुझे बहुत ही ज्यादा हिट कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका एक एक शब्द दिल पे लग रहा है, क्योंकि भाई मूवी का क्या है ना कि ये बात भी डिपेंड करती है कि उसे कौन देख रहा है। मतलब कि एक विलेज का बंदा जोकर मूवी को एक दूसरी फीलिंग से देखेगा और एक बड़े शहर के पॉश इलाके का बंदा मूवी को अलग फीलिंग से देखेगा। सभी के लिए मूवी की अलग अलग फीलिंग होती है और ये हाल ही में मुझे ऐसा लोगन मूवी के साथ फील हुआ। वैसे तो मूवी ये मैंने बहुत पहले देख ली थी, मगर जब से मैंने ये अभी देखी है एक अलग ही फीलिंग आ रही है। समझ में आ रहा है कि लोगन मूवी में वो इतना डिप्रेस क्यों हो चुका था। वो दुनिया से हार चुका था, जिंदगी से हार चुका था। दुनिया में इतना सब कुछ देख लिया था उसने कि उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। और मूवी में उसके इस डिप्रेशन को मूवी की बिगिनिंग ही डिफाइन करती है, जहां वो कैलिबान के साथ मूवी में कन्वर्सेशन कर रहा था। लोगन का मूवी में ओरिजिनल प्लान था कि वो पहले तो जेवियर के मरने का इंतजार करेगा, क्योंकि लोगन के दिल को तो हम जानते ही हैं, वो किसी को भी परेशानी में नहीं छोड़ सकता। ऊपर से जेवियर के काफी एहसान है उस पे। फिर जेवियर के मरने के बाद वो एक बोट खरीदता और उसके पास वो एक एडमेंटियम बुलेट थी, वो भी सिर्फ एक, क्योंकि बस एक ही का काम था। बोट लेने के बाद वो ओशन में चला जाता, सबसे दूर, इस दुनिया से दूर, इस परेशानी से दूर, इस दर्द से दूर और अपनी जिंदगी से दूर। वहां उसी बोट पे ही लोगन के मरने का प्लान था, अकेले। एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हमने बचपन से देखा, जो काफी डीप लेवल की एंगर और हेट्रेड लेकर घूमता था, और इन दी एंड वो अपने जिंदगी से इतना डिसअपॉइंटेड हो गया कि उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। मुझे लोगन मूवी की कहानी में यह बात पसंद आई कि ये सारी चीजें जबरदस्ती पुश नहीं की गई थी। जैसे कि कैलिबैन खुद बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे ले जाने का कोई इंटेंशन नहीं है, फिर वो एक बुलेट दिखाता है और ठीक यहीं से मूवी अपनी ना जीने वाली इच्छा को उजागर करती है। मूवी के एक सीन भी सामने आता है जहां वो डॉक्टर के पास होता है, जहां लोगन खुद भी कहता है कि मैं जानता हूं कि मुझे क्या चीज मार रही है। जिसका मतलब ये भी मूवी पोर्ट्रे करती है कि लोगन चाहता तो अपने फिजिकल पेन से निजात पा सकता था, उसके पास अभी भी चांस था कि वो अपने आप को दोबारा ठीक कर सके, मगर मेन बात वो ऐसा खुद नहीं चाहता था। अमरत तो हमेशा सबके लिए वरदान साबित नहीं होता, और मूवी बताती भी है। अब लोगन मूवी को देखने के बाद मैंने लोगन के पास्ट के बारे में जाना, और जाना कि लोगन तो कभी अपनी लाइफ से खुश था ही नहीं। चाहे 2013 की वुल्वरीन मूवी की ही बात कर लो, या फिर 2009 की एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन की। 2013 की वुल्वरीन मूवी से ही शुरुआत करें तो लोगन ने एक चाइनीज सोल्जर को बचाया था, और आगे चल के उसी चाइनीज सोल्जर ने उसकी जान लेना चाही, तो लोगन को उसके बचाने का फायदा ही क्या हुआ। ऊपर से उसे बचाने के कारण कितने और सारों की जान चली गई। आगे उसी मूवी में दिखाया ही गया है कि लोगन काफी समय से अपने आप को दुनिया से अलग करके रह रहा था, जंगलों में। अब ऐसा आदमी क्यों करता है, अकेले क्यों रहना चाहता है। लोगन कभी अपनी फैमिली नहीं बना पाया, जिस किसी को भी प्यार करता वो उससे दूर चले जाते। जस्ट लाइक लोगन जीन को काफी चाहता था, उसके डरावने सपने उससे आते थे कि उसी की वजह से उसकी जान गई। लोगन को कभी लॉन्ग टर्म फैमिली वाला प्यार मिला ही नहीं। जैसे कि लोगन मूवी में जेवियर ही इस वाले सीन में लोगन से कहता है, जिंदगी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, एक घर हो, प्यार करने वाला परिवार हो, महफूज जगह हो, तुम्हें भी ये सब जी के देखना चाहिए, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। तो समझे ना, चार्ल्स को पता था कि लोगन ने काफी कुछ झेला है और अभी भी थोड़ी उम्मीद है, इसीलिए वो कहता है ना कि अभी भी तुम्हारे पास समय है। मगर लोगन इतना टूट चुका था कि वो कहता है कि अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसे वो हुआ करती थी। अब लोगन के इस बात से कहने से हमें ये भी जानने को मिलता है कि जिस एपोकलिप्स की वजह से बस कुछ ही म्यूटेंट धरती पे बच गए थे, उसने सब खत्म कर दिया। मगर मूवी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये बदतर एपोकलिप्स वाली हालत सिर्फ म्यूटेंट्स के लिए हुई है, क्योंकि बाकी दुनिया अपने हिसाब से चल रही है। तकलीफ लोगन जैसे म्यूटेंट्स को है, मगर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ये बात तो सुनी ही है, वास्तविकता वही है जो हम मानना चाहते हैं। और बस इसी परिवार वाले सीन के बाद लोगन की वो सारी चीजें उससे छिन जाती हैं जिससे वो परवाह करता था। जिंदगी ने उसके साथ काफी नाइंसाफी की है, और उसके मरने वाला प्लान भी अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। उस बच्ची को ईडन छोड़ने के बाद वो बोट लेने जाएगा, बस वो एक आखिरी काम करने के बाद, जो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं थी। वो चाहता तो कब का उस बच्ची को छोड़ के वहां से चार्ल्स के साथ निकल सकता था, मगर चार्ल्स ने उसे इंसिस्ट किया कि अभी भी देर नहीं हुई है। उस मूवी का एक और इमोशनल सीन ये है कि चार्ल्स के अपोलॉजी वाला, जहां चार्ल्स को सब याद आ जाता है कि वेस्टचेस्टर में क्या हुआ था। वो ये बात भी एडमिट करता है कि कैसे उसने लोगों को तकलीफ पहुंचाई, मगर ये कोई पहली बार नहीं था। वो ये बात भी एडमिट करता है कि वो इस आरामदायक बिस्तर के भी लायक नहीं है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा भयानक किया है जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है। क्योंकि अब जैसे आप चार्ल्स की पावर्स को तो जानते ही हैं, उसे पहले से ही पता चल गया था कि मेरे मरने के बाद लोगन अपनी जान ले लेगा। और उस घर में जब लोगन खाना खाने के बाद बाथरूम में था, तो वहां चार्ल्स ने ही उससे कहा कि उस लड़की को सेफ जगह छोड़ने के बाद वो दोनों बोट खरीदने जाएंगे। अब इस बात से ये भी बात डिफाइन होती है कि लोगन के साथ चार्ल्स भी मरना चाहता था, वो भी इस दुनिया से थक चुका था भाग के, बचा के, सब ठीक करके, मगर इन दी एंड सब वैसा होता कहाँ पे है। खैर, ये सारी कहानी तो लोगन को प्योरली अच्छी तरीके से डिफाइन करती है कि लोगन को कभी एक्चुअल में खुशी मिली ही नहीं,
लोग उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उसका वेपन्स की तरह यूज किया, कभी उसे प्यार नहीं मिला, हमेशा ये मेजोरिटी ऑफ टाइम दुनिया से कट के रहता था। लोगन अल्कोहल इसीलिए ज्यादा कंज्यूम नहीं करता था कि उसे शौक था, उसे अच्छा तो लगता ही था, मगर यह चीज उसका कुछ समय के लिए उसका दर्द दबाए रखती थी। वो कभी परिवार नहीं बना पाया, और इन दी एंड जिन लोगों की वो परवाह करता था, भले ही वो उसे ना चाहे, वो भी उससे छिन गए। मगर इन सब चीजों के बाद भी उसके अंदर का अच्छा इंसान मरा नहीं था। वो तब भी जितना हो सके लोगों की मदद करता था, फोर्सफुली ही करता था, मगर कर ही लेता था। क्लाइमेक्स में चाहता तो भाग सकता था बोट लेने, मगर उसने मदद करने की सोची, कुछ अच्छा करने को सोचा। खैर, ये सारी बातें तो लोगन के सिनेमा वाली पर्सनैलिटी की है, और ये बात बताती भी है कि कैसे लोगन मूवी सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग सुपर हीरो मूवी है टिल डेट। सुपर विलन मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, सुपर हीरो मूवी की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर आपको इस ट्रेजेडी सी भरी हुई कहानी के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी है तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि अभी तो कोई ऐसी सुपर हीरो मूवी नहीं है जो लोगन से ज्यादा डिप्रेसिंग हो सुपर हीरो जॉनरा में। मगर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आ गए हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और वीडियो अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।